गुड आफ्टरनून एवरी वन हम लोग आज अभी तक हम लोगों ने कॉर्पोरेट कॉरपोरेट अकाउंटिंग वाला टॉपिक देखा है रेशियो एनालिसिस किया है राइट right? सो so आज हम लोग थोड़ा फाइनेंस वाला टॉपिक के बारे में बात करेंगे ये जो टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं आज आ, इस पर्टिकुलर टॉपिक से पंद्रह से बीस नंबर का आपको क्वेश्चन आ सकता है काफी टाइम ऐसा देखा गया कि ट्वेंटी मार्क्स का जो बड़ा क्वेश्चन है ना वो इसी पर्टिकुलर टॉपिक से आया है ठीक है एंड एज फार एज आई ए आई इज कंसर्न बहुत सारा एमसीक्यू बन सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से ठीक है चलिए अभी तक हमने अकाउंटिंग वाला एस्पेक्ट देखा है अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेशियो एनालिसिस अब हम लोग फाइनेंस वाला एस्पेक्ट देखेंगे सो बेसिकली बिफोर गेटिंग इन टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ आई टॉक अबाउट फाइनेंस फाइनेंस मीन्स प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दी मनी रिलेटेड मैटर्स राइट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दी मनी रिलेटेड मैटर तो ऑर्गेनाइजेशन में मनी रिलेटेड क्या क्या हो सकता है एक होगा फाइनेंसिंग डिसीजन सेकेंड विल बी इन्वेस्टमेंट डिसीजन राइट ये वाला टॉपिक आपका सीएम वन में भी है और सीबी वन में भी है वी हैव वर्किंग कैपिटल डिसीजन हमने ऑलरेडी बात किया है रेशियो एनालिसिस में करियो क्विक रेशियो देन वी हैव आल्सो स्पोकन अबाउट एक्टिविटी टर्न ओवर रेशियोज राइट और एक है हमारा डिविडेंड डिसीजन ठीक है सो हम लोग अभी क्या बात करने वाले फाइनेंस मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसको अपन बोलते हैं तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली जो कंपनी का जो फाइनेंस है जो मनी रिलेटेड मैटर्स है उसको हम लोग टेक केयर करेंगे तो इसमें ये तो मेन मेन है राइट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डेरिवेटिव राइट right? ये सब भी इसमें कवर्ड होता है तो हमारे करिकुलम में सारा ही है थोड़ा थोड़ा करके तो हम लोग सबके बारे में डिस्कशन करेंगे ये जो काम है ये कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो होता है ना सी ओ उसके देखरेख में किया जाता है कलेक्शन फ्रॉम डेटर ये भी इसी का काम है कंपनी का जो ट्रेजरार होता है ना जो कैश डिपार्टमेंट होता है उसका काम है ये तो वो भी इसी के अंडर आता है वर्किंग कैपिटल डिसीजन सो कंपनी का जो भी फाइनेंशियल मैटर्स होगा वो फाइनेंशियल मैनेजर या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर देखेगा तो सबसे पहले जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो अपन को पैसा चाहिए वी नीड फंड्स राइट अपने को बोरोइंग के लिए फंड्स चाहिए तो सबसे पहले क्या होता है स्टेप वन कंपनी सेल्स फाइनेंशियल एसेट टू इन्वेस्टर सबसे पहले जो कंपनी होती है ना फाइनेंशियल एसेट है जैसे कि फॉर एग्जांपल शेयर्स डिवेंचर्स, राइट एक्सेट्रा शेयर्स में भी वो लोग प्रेफरेंस शेयर्स सेल कर सकता है शेयर्स में दो टाइप के शेयर्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स Step two. Funds raised from investor, right? Funds raised from investor. Okay. ना जब भी अपने इन्वेस्टर से फंड रेज करेंगे तो इन्वेस्टर बोलेगा बदले में आप हमको क्या देंगे तो एज यू you नो know दैट डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है और इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है इंटरेस्ट और इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर ऑफ प्रॉफिट डिवेंचर होल्डर का जो इंटरेस्ट है वो फिक्स रहता है डिस्पाइट कंपनी का क्या प्रॉफिट है उससे फर्क नहीं पड़ता उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और इक्विटी शेयर होल्डर का वेरिएबल इंटरेस्ट रहता है तो उनको प्रॉफिट होगा तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे तो सभी का कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है राइट right? तो फंड्स रेज फ्रॉम इन्वेस्टर उसके बाद स्टेप थ्री एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्वेस्टर बिकम्स कॉस्ट टू कंपनी इन्वेस्टर का जो एक्सपेक्टेशन है ना वो कंपनी के लिए कॉस्ट बन जाता है जैसे इंटरेस्ट इज फॉर डिवेंचर होल्डर्स डिविडेंड इज फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स राइट सो इसी कॉस्ट को अपने मेजर करना सीखेंगे आज इसी कॉस्ट को अपन निकालना सीखेंगे वी विल लर्न टू कैलकुलेट दिस कॉस्ट ठीक है सो कंपनी क्या करती है फाइनेंशियल एसेट बेचेगी बदले में पैसा उठाएगी राइट right? उस पैसे को वो लोग इन्वेस्ट करेगा राइट right? कहां इन्वेस्टमेंट करना है उस इन्वेस्टमेंट को करना है कि नहीं करना है ये हम लोग इनिशियल प्रोजेक्ट अप्रेजल अपन सीखेंगे बहुत लोगों ने कर लिया है राइट right? सो so, इनिशियल प्रोजेक्ट अप्रेजल करने से अपन को ये मालूम चलेगा कि जहां हमने पैसा लगाया है वो फ्रूटफुल होने वाला है कि नहीं होने वाला है हो सकता है इनिशियल प्रोजेक्ट पास हो जाए हमने पैसे भी लगा दिए बाद में जाके वो प्रोजेक्ट पिट जाए हाई पॉसिबिलिटी राइट सो अपन को सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर नहीं मालूम चलेगा तो ये नहीं मालूम चलेगा कि इन्वेस्टमेंट से मिनिमम रिटर्न कितना एक्सपेक्ट करना है जो इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन है वही ना अपने लिए कॉस्ट बनेगा एंड दैट कॉस्ट वी नीड टू अर्न फ्रॉम आवर इन्वेस्टमेंट राइट so expectation of investor becomes cost cost of capital is the minimum rate of return कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिम रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड फ्रॉम द इनमेंट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स मतलब प्रोजेक्ट का जो रिटर्न है दैट शुड बी एटलीस्ट गेट एन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो अपन जितना भी प्रोजेक्ट अप्रेजल करेंगे उसमें जो अपने डिस्काउंटिंग फैक्टर जो यूज करते हैं वो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही होता है इसको अपन हडल रेट भी बोलते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हडल रेट पब्लिक कट ऑफ रेट तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं

डिवेंचर होल्डर को फिक्स चाहिए इक्विटी को वेरिएबल चाहिए राइट right? तो तुम्हारा जो एक्सपेक्टेशन है वो मेरे लिए कॉस्ट बन जाएगा इसका मतलब कि ये जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आ रहा है दिस इज द मिनिमम रेट आज एक चीज सोचो बैंक में एफ का रेट ज्यादा होता है कि लोन का रेट ज्यादा होता है लोन का क्यों क्योंकि बैंक का बिजनेस है लोन देना डिपॉजिट जो अपन करते ना बैंक में सेविंग में करेंट में एफडी टर्म डिपॉजिट हालांकि करेंट पे तो इंटरेस्ट मिलता नहीं है सेविंग पे तीन से चार परसेंट है एफडी पे सात से आठ परसेंट अराउंड उतना ही है तो बैंक इज इन द मनी लेंडिंग बिजनेस तो बैंक डिपॉजिट्स पे पांच परसेंट छह परसेंट एवरेज पे देती है और जिसको लोन देती है उसे आठ परसेंट नौ परसेंट लेती है डिफरेंस बैंक का इनकम बन जाता है तो सेम बैंक से हम बोरो करके सेम बैंक में इन्वेस्ट नहीं कर सकता सेम बैंक से बोरो करके कैन यू इन्वेस्ट अगर ऐसा अगर हमने कर सकते थे तो हर आदमी यही करता काम करने का दरकार ही नहीं है दो करोड़ रुपए बोरो कर लेंगे और उसको उसी बैंक में एफडी कर देंगे बट दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल सो ये जो भी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है ना आपको दूसरा मार्केट प्लेस में लगाना पड़ेगा अगर आप एक जगह से बोरो कर रहे हैं तो यू नीड टू इन्वेस्ट इट समवेयर एल्स तो उसमें आपको दिस इज द मिनिमम रेट आपको इतना रिटर्न चाहिए ही चाहिए तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल को लोग डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं डिस्काउंट रेट यूज इन प्रोजेक्ट अप्रेजल पहले हमने अकाउंटिंग वाला एस्पेक्ट कराया अब हम फाइनेंस वाला एस्पेक्ट करवा रहे हैं आपको राइट नाउ वी आर डीलिंग विथ फाइनेंस वाला एस्पेक्ट पंद्रह से बीस नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा इससे कंपलसरी। तो फाइनेंस में भी काफी सारा चीज होता है फाइनेंसिंग डिसीजन कहां से बोरो करना है कौन से सोर्स से बोरो करना है कितना बोरो करना है इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहाँ उसको पैसा लगाना है पैसा वहीं लगाएंगे जहाँ रिस्क सबसे कम हो रिटर्न सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हो फिर वर्किंग कैपिटल डिसीजन ये भी इस सब्जेक्ट का पार्ट है डिविडेंड डिसीजन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डेरिवेटिव्स सब इसी इसी सब्जेक्ट का पार्ट है कंपनी का जो सी होता है जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है उसके देख रेख में किया जाए तो उसके अंदर में बहुत सारा डिपार्टमेंट्स होता है ट्रेजर होता है कैश डिपार्टमेंट होता है कलेक्शन डिपार्टमेंट होता है इस तरीके से तो अभी अपन खाली पहला एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट एस्पेक्ट दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन बोरोइंग वाला पार्ट कंपनी को पैसा चाहिए कंपनी बोरो करेगी कंपनी शेयर इशू करेगी कंपनी डिबेंचर इशू करेगी कंपनी बॉन्ड्स इशू करेगी राइट कंपनी सेल्स फाइनेंशियल एसेट टू इन्वेस्टर्स फंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑफ इन्वेस्टर बिकम्स कॉस्ट कॉस्ट टू कंपनी द कैपिटल इज मिनिमम रेट जो अपन को हमारे इन्वेस्टमेंट से चाहिए अब हम लोग इसका मेजरमेंट सीखेंगे राइट right? आगे जाके अपन देखेंगे जब आप बोरो करते हैं ना तो कॉस्ट इज नॉट द ओनली फैक्टर वी सी टेक्निकली क्या होगा जिसका सस्ता होगा कॉस्ट वही बोरो करेंगे ना जहां पे कॉस्ट सस्ता होगा अपन को वही बोरो करना चाहिए टेक्निकली स्पीकिंग तो यही होना चाहिए ना जिधर कॉस्ट सस्ता लगेगा वही बोरो करेंगे आज हमको लोन चाहिए तो मैं दस बैंक में पूछता हूँ भैया क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया कोई बोलेगा 8.25 कोई बोलेगा 8.5 कोई बोलेगा 8.45 कोई बोलेगा 8.3 राइट सो द द द राइट सो दैंक विच लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट आई सेलेक्ट दैट वैसे बोरोइंग में भी होता है राइट right? सो so, अभी हमने खाली कॉस्ट को मेजरमेंट करना सीखेंगे आगे जाके हम देखेंगे कि काफी सारा अदर फैक्टर्स भी होता है जो अपन को बोरोइंग के टाइम पे कंसिडर करना चाहिए क्लियर चलिए सो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं सपोज करिए सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमने इक्विटी शेयर भी यूज किया है और हमने डिवेंचर्स भी यूज किया है इक्विटी शेयर से हमने दस लाख ,00 बोरो किया है डिवेंचर से भी हमने दस लाख ,00 बोरो किया है राइट right? दोनों सोर्सेस से हमने दस लाख दस लाख बोरो किया है डिवेंचर होल्डर बोलता है कॉस्ट हमेशा परसेंटेज टर्म्स में आता है डिवेंचर होल्डर बोलता है हमको दस परसेंट चाहिए फिक्स्ड और इक्विटी बोलता है हमको बीस परसेंट चाहिए ठीक है सो अभी हम लोग को कॉस्ट ऑफ बोरिंग निकालना ये इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ बोरिंग हो गया अगर अपन डिवेंचर यूज करेंगे तो दस परसेंट अगर अपनी इक्विटी यूज करेंगे तो ट्वेंटी परसेंट यही काम करते हैं अपन इसको पंद्रह लाख कर लेते हैं या इसको अपन सोलह लाख कर लेते हैं सोलह लाख यहां से बाकी चार लाख यहां से तो टेक्निकली हमने कितना बोरो किया बीस लाख बोरो कर लिया अभी हम लोग वेट निकालेंगे टोटल कैपिटल में वेट कितना इक्विटी का एट जीरो सोलह लाख बाय बीस लाख मतलब एट्टी परसेंट फाइनेंस हमने इक्विटी से किया है ट्वेंटी परसेंट फाइनेंस हमने डिवेंचर से किया है तभी तो हम लेंगे वेटेड कॉस्ट दट इज दिस इंटू पॉइंट एट पॉइंट वन एट मतलब ये आ गया एटीन परसेंट आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसे ठीक नहीं लग रहा है तो यू कैन डू इट इन दिस फैशन ऑल्सो सोलह लाख का बीस परसेंट होगा तीन लाख बीस हजार इसका आएगा चालीस हजार मिला के हो गया तीन लाख साठ इक्वल टू थ्री सिक्सटी बाई ट्वेंटी लैख इंटू हंड्रेड दिस एटीन परसेंट इसको अपन बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑब्लिक ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑब्लिक डब्ल्यू एस सी सी ठीक है तो हमने पैसा बोरो किया है कुछ इक्विटी शेयर से कुछ डिवेंचर से तो ये हमारा आ गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसका शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं इसको अपने के ओ बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये होता है वेट ऑफ डेप्ट इनटू कॉस्ट ऑफ डेप्ट ठीक है ये होता है हमारा वेट ऑफ डेब्ट इंटू कॉस्ट ऑफ डेप प्लस वेट ऑफ इक्विटी इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी आप ऐसे भी कर सकते देखो मैंने वही किया है वेट मतलब प्रोपोर्शन, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी कितना है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में डेप्ट कितना है ठीक है सो एटीन परसेंट इज द डिस्काउंट रेट टू बी यूज वेन आई एम डूइंग प्रोजेक्ट अप्रेजल प्रोजेक्ट अप्रेजल में इंडिविजुअल सोर्सेस का कॉस्ट से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये 20 लाख इकट्ठा इन्वेस्ट होगा जब इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो दैट इज इरेस्पेक्टिव फ्रॉम वेयर यू हैव बोरोड द फंड्स। विच सोर्स यू हैव इट इन्वेस्टमेंट डिसीजन से जो रिटर्न आएगा वो रिटर्न उतना ही देगा भले ही वो इक्विटी का पैसा हो भले ही वो डिवेंचर का पैसा हो लेकिन जब आप फाइनेंसिंग डिसीजन कर रहे हैं तब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कौन कौन सा सोर्स से बोरो कर रहे हैं जिससे कि आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम आए मुद्दा यह नहीं है कि जितना मन चाह उतना यूज कर लेंगे देखो कंपनी फॉर्म ऑफ एंटिटी है कम, हर कंपनी को रजिस्टर करना पड़ता है अंडर कंपनीज एक्ट जैसे हमारा इंडिया में अगर मैं एक्चुएटर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहता हूं या एक्चुएटर्स लिमिटेड बनाना चाहता हूं तो पब्लिक या प्राइवेट देर टू टाइप्स ऑफ कंपनी राइट अगर मैं एक्चुएटर्स को कंपनी फॉर्म ऑफ एंटिटी बनाना चाहता हूं तो पहले मेरे को एक्चुएटर्स लिमिटेड को एक्चुएटर्स प्राइवेट लिमिटेड को पहले मेरे को कंपनी लॉ के तहत उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल बॉडी क्रिएटेड अंडर द एक्ट ऑफ कंपनी लॉ पहले मेरे को कंपनी बनाना पड़ेगा आई हैव टू क्रिएट द कंपनी फर्स्ट जब भी कंपनी बनती है तो उसमें प्रमोटर का शेयर होता है प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है जो भी मेन मालिक है उनको अपना पैसा लगाना पड़ता है इक्विटी होना पड़ता है कुछ भी मिनिमम एक इक्विटी कैपिटल का रिक्वायरमेंट आता है तभी कंपनी फ्लोट कर सकते हो आप तब तो हर आदमी करेगा कंपनी बना लेगा हा? और मालिक अपना दस हजार रुपया इन्वेस्ट कर देगा बाकी दस करोड़ का लोन ले, ले लेगा ऐसे थोड़ी होता है तुम लोग रेशियो एनैलिस में पढ़ा होगा डेप्ट इक्विटी रेशियो मतलब टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का आप सर्टेन परसेंटेज या आप बोरोइंग फंड यूज कर सकते हैं अगर आपका टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट हंड्रेड करोड़ है तो आप फोर्टी करोड़ से ज्यादा लोन नहीं ले सकते बाकी आपको सिक्सटी करोड़ अपना देना पड़ेगा अगर आप अपना नहीं देंगे तो बैंक भी आपको लोन नहीं देगा डेप्ट इक्विटी रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा आपको इंडिया में है आप 35 परसेंट अपना दीजिए बाकी 65 परसेंट आप बैंक से लोन ले लीजिए चलता है बट यूके में फोर्टी परसेंट इज यू कैन बोरो टोटल कैपिटल का फोर्टी परसेंट एक है फर्स्ट बाय इक्विटी और एक है सेकंड फॉर्मूला जिसमें तो डेप बाय टोटल हमने ऐसा क्वेश्चन भी आपको कराया था जहां पे कोवेनेंट ब्रीच हो जा रहा था याद है बैंक बोला था 50 परसेंट ही हम कंसीडर करेंगे तो एक मिनिमम इक्विटी तो रिक्वायरमेंट है ही बेटा आप ये नहीं बोल सकते कि आप इक्विटी नहीं लेंगे तो चलेगा तो आपको इक्विटी तो यूज करना ही पड़ेगा अगर अभी आप डिवेंचर यूज करते हैं ना तो आपके लिए फायदेमंद वाला बात है ये मैं आपको वही चीज दिखाने वाला हूं अभी अभी हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयमेंट डिवेंचर कितना है ट्वेंटी परसेंट पॉइंट टू सेम चीज में मैं काम करता हूं ये जो भी चीज मैंने दिखाया ना आपको यहां पे लेटेस्ट एक फोर्टी परसेंट डिवेंचर्स ये बारह लाख ये आठ लाख इंट सिक्स पॉइंट फोर देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिर के सोलह परसेंट आ गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिर के क्या हो गया सोलह परसेंट पे आ गया तो सर एक काम करो काम करो काम करो काम करो काम करो काम करो यू डू वन थिंग यू मेक इट सिक्सटी Wow. और गिर रहे मजा आ रहा है ना बट कैन यू डू दिस योर कोवेनेंट विल बी ब्रीच्ड ऐसा कंपनी जिसमें सिक्सटी परसेंट डेप्ट है सारा पैसा बाहर वालों का नहीं हो सकता आपको अपना स्किन डालना पड़ेगा सर हमने क्या बात किया हम लोग फाइनेंशियल एसेट बेचेंगे पैसा बोरो करेंगे जो भी उनका मांग रहेगा वो हमारे लिए कॉस्ट बन जाएगा तो अपन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सीख गए हैं जो भी हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा वही हमारा इन्वेस्टमेंट का मिनिमम रिटर्न होना चाहिए वही हमारा डिस्काउंट रेट यूज होगा प्रोजेक्ट अप्रेजल में वही हमारा हटेल रेट है वही हमारा कट ऑफ रेट है मतलब रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मस्ट बी देन इक्वल टू योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो सर आप डिवेंचर घुसाते जाइए यू बोरो मैक्सिमम क्योंकि डिवेंचर इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस जिनकी मांगे फिक्स्ड होती है ना जो लोग सिक्योर्ड होते हैं आज डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड है आज जब मैं डिवेंचर को फाइनेंशियल डिवेंचर फाइनेंशियल एसेट इज सोल्ड टू इन्वेस्टर वी आर क्रिएटिंग चार्ज ऑन ऑल एसेट कंपनी वी आर गिविंग दिम सिक्योरिटी वी आर गिविंग दिम फ्री लैंड एंड बिल्डिंग फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग सिक्योरिटी में कंपनी का जितना भी एसेट है सब आपको गिरवी रखा गया मतलब कल को कुछ भी होता है तो पहले आपको चुकाया जाएगा उसके बाद पैसा दूसरा में यूज होगा तो डिबेंचर इज एनी वे चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस इक्विटी वाला लोग कौन होता है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से मालूम है इक्विटी अच्छा होता है कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से डिवेंचर सस्ता है कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा अच्छा मालूम है इक्विटी क्योंकि उसमें रीपेमेंट का प्रेशर नहीं है डिवेंचर में रीपेमेंट का प्रेशर आएगा अभी तो मैंने आपको खाली कॉस्ट निकलवाया अभी मैं आपको अदर फैक्टर्स भी बता रहा हूं कि कौन सा सोर्स सेलेक्ट करना है बोरो के वक्त ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और इसमें एक प्रॉपर स्टडी होता है कि व्हाट इज मिक्स ऑफ कैपिटल तो स्टेप फाइव जो है ना स्टेप फाइव कैपिटल मिक्स टू बी स्टडीड कैपिटल मिक्स के बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है अपन को कि ब्लेंड क्या होगा पानी वाटर एच टू ओ होता है ना टू यूनिट्स ऑफ हाइड्रोजन वन यूनिट ऑफ ऑक्सीजन ये अगर मैं इसका ब्लेंड चेंज कर दू तो कुछ और ही बन जाएगा या खारा मीठा पानी जो भी समझ लो सेम यहां पर भी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपने निकालना सीख गए हैं उसमें अपन ये देख रहे हैं कि डिवेंचर चीपर सोर्स ऑफ फिनांस होता है क्योंकि डिवेंचर में रिस्क नहीं है तो जहां रिस्क नहीं है वहां कम देंगे जहां रिस्क है वहां उनका उम्मीद भी ज्यादा होगा जिसको फिक्स चाहिए सिक्योरिटी भी चाहिए उनको कम देंगे जिनका वेरिएबल पेमेंट है उनके पास सिक्योरिटी वो डिमांड ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर विल एक्सपेक्ट मोर देन द डिवेंचर होल्डर ये दे बट ऑबियस है अभी कंपनी फॉर्म करते तो मिनिमम इक्विटी तो होता ही है हमारा नेक्स्ट टारगेट है ये डिसाइड करना कि कितना इक्विटी कितना डिवेंचर कॉस्ट बोलता है डिवेंचर ज्यादा यूज करो रिस्क रिस्क वाला फैक्टर क्या है डिवेंचर पे रिपेमेंट प्रेशर आएगा इक्विटी पे रिपेमेंट प्रेशर नहीं है तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा इक्विटी प्रेफर करेगी इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं एक होता है कंट्रोल वाला फैक्टर सपोज करो तुम्हारा ऑलरेडी एक कैपिटल स्ट्रक्चर है कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब तुम्हारा ऑलरेडी एक कैपिटल एम्प्लॉयड है नाउ यू नीड फंड फॉर एक्सपेंशन तो उस समय तुम इक्विटी यूज करोगे कि तुम उस समय डिवेंचर यूज करोगे क्यों अगर तुम और इक्विटी यूज करते हो ऑलरेडी तुम्हारे एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी है तुम अगर और अगर इक्विटी शेयर फ्लोट करोगे तो क्या होगा जो पुराना शेयर होल्डर उसका कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा ना सपोज करो बीस हजार शेयर ऑलरेडी इशूड है उसमें से सोलह हजार शेयर मेरे पास में मैं प्रमोटर हूं तो मेरी कितनी होल्डिंग हुई एट्टी परसेंट बाकी ट्वेंटी परसेंट तुम लोगों के पास में है अब कंपनी और बीस हजार शेयर इश्यू कर रही है उसको पैसा चाहिए एक्सपेंशन के लिए और वो बीस हजार शेयर कंपनी मार्केट में इश्यू कर रही है तब टोटल में चालीस हजार हो गया उसमें से मेरे पास कितना है सोलह हजार तो जो मेरा कंट्रोल एट्टी परसेंट पे था वो फोर्टी परसेंट पे आई कंट्रोल विल गेट डायल्यूटेड ऐसा होने से क्या होगा कंपनी माइट गो इन टू अनदर हैंड्स, मेरी कंपनी तो मेरा कंट्रोल रहना चाहिए ना उसमें मेरा मैक्सिमम होल्डिंग होना चाहिए कंपनी गलत हाथ में चली जाएगी ना तो क्या सोर्स से बोरो करना है खाली कॉस्ट डिसाइड नहीं करता है रिस्क है कंट्रोल है टाइमिंग मार्केट रिसेशन में है तुम अगर इक्विटी शेयर लाओगे कोई नहीं खरीदेगा मार्केट बूम में है यू कम विथ इक्विटी शेयर एवरी वन विल अप्रिशिएट दैट सो so, काफी सारा फैक्टर है जो अपने को ध्यान में रखना है दिस नॉट द ओनली फैक्टर सो दिस कैपिटल मिक्स आल्सो नीड्स टू बी स्टडीड कितना इक्विटी होना चाहिए कितना डिवेंचर होना चाहिए प्योरली इक्विटी कर सकते हो आप लेकिन प्योरली डिवेंचर नहीं हो सकता बिकॉज कंपनी फॉर्म के लिए मिनिमम इक्विटी का रिक्वायरमेंट आता ही आता है अभी हमने क्या देखा हम डिवेंचर घुसाए जा रहे हैं पहला केस में ट्वेंटी परसेंट डिवेंचर था कैपिटल एम्प्लॉयड का फिर हमने देखा फोर्टी परसेंट फिर हमने सिक्सटी परसेंट तो हमने क्या समझा विद द the... पहला थॉट थॉट वन विद द अच्छा एक चीज और बताऊंगा थॉट वन के पहले कैपिटल मिक्स ऑब्लिक ब्लेंड ऑब्लिक कैपिटल स्ट्रक्चर ओब्लिक ऑप्टिमम कैपिटल मिक्स सही ब्लेंड क्या होगा It is that combination of debt and equity where overall cost of capital is minimum and value of firm is maximum. बेसिकली यहाँ पे तीन थॉट चलता है ठीक है अपन क्या बात करें फाइनेंसिंग डिसीजन का कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो जो इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेशन है वो तुम्हारे लिए कॉस्ट बन जाएगा डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट एक्सपेक्टेशन है इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट का हिस्सा एक्सपेक्टेशन है अपन को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है तो कॉस्ट भी निकालना और वेट भी मालूम होना चाहिए मिक्स तो मिक्स का स्टडी अपने कर रहे हैं यस क्या कर रहे हैं मिक्स का स्टडी कर रहे हैं ना कॉस्ट खाली एक फैक्टर नहीं है डिवेंचर तो चीपर सोर्स ऑफ फिनेंस है तो डिवेंचर मैक्सिमम बोरो कर लो जिस हद तक कर सकते हो बाकी का इक्विटी बेस्ट रूल यही बोलता है सो थॉट वन नंबर क्या है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मोर एंड मोर डेप्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल decreases Right, with the introduction of more and more debt, cost of capital decreases as venture is a cheaper source of finance. Okay. now weight of depth increases ko decreases Okay, other factors such as Kd and Ke remains constant. Kd is always less than k की ज्यादा होती ठीक है ज्यादा से ज्यादा डेप्ट लो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा डिवेंचर चीपर सोर्स ऑफ फ़िनेंस है ये मंत्रा सबको मालूम है और हमने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया अभी, ठीक है लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है जब आप ज्यादा डिवेंचर बोरो करोगे ना आप क्या सोच के बोरो कर रहे हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिर जाएगा लेकिन जब कंपनी ज्यादा रिस्की हो जाती है इसको अपन गियरिंग बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं मालूम है ये सिक्सटी परसेंट डिवेंचर फॉर्टी इसको बोलते हैं गियरिंग रेशियो क्या बोलेंगे इसको गियरिंग रेशियो के ओ डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन गियरिंग रेशियो टू हम लोग गियरिंग बढ़ा रहे हैं Gearing ratio increase from twenty percent to forty percent. Okay. जब हम गियरिंग रेशियो बढ़ाएंगे ना इक्विटी इज नाउ एक्सपोज टू टू टाइप्स ऑफ रिस्क बीस से मैंने चालीस ले गया मैं इक्विटी अब दो रिस्क से एक्सपोज्ड हो गया है एक तो जो नॉर्मल शेयर में जो रिस्क होता ही है शेयर का जो नॉर्मल रिस्क है उस रिस्क के बारे में भी अपन बात करेंगे एक बात बताना डिवेंचर होल्डर का मांग कितना है दस इक्विटी का मांग कितना है तो एक गैप क्या है वॉट इज दिस गैप रिस्क का कॉम्पेंसेशन विच इक्विटी इज टेकिंग ये गैप क्या है दो दस और बीस के बीच में गैप क्या है आज गवर्नमेंट सिक्योरिटी आठ परसेंट दे रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितना दे रहा है आठ परसेंट कंपनी का डिबेंचर में कितना मिल रहा है दस दो परसेंट एक्स्ट्रा क्यों है क्रेडिट रिस्क गवर्नमेंट को उधार देंगे तो गवर्नमेंट चुका देगा अरे भैया अगर देश की सरकार डूब गई ना तो सर, देश में रह के फायदा नहीं है सो so गवर्नमेंट वाला लोग आठ मांग रहा है आठ देने के लिए तैयार है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कंपनी बोल रहा है हम दस देंगे क्योंकि कंपनी इज मोर रिस्की देन गवर्नमेंट अब कंपनी में भी इक्विटी इज मोर रिस्की देन डिवेंचर क्योंकि प्रॉफिट होगा तो देंगे तो ये ऑलरेडी दिस टेन परसेंट एक्स्ट्रा विच इक्विटी इज आस्किंग एज कंपेयर टू डिवेंचर इज फॉर द रिस्क विच इक्विटी इज टेकिंग इक्विटी ऑलरेडी रिस्क ले रहा है उस रिस्क का कॉम्पेंसेशन इज टेन परसेंट ठीक है अब इक्विटी और ज्यादा रिस्क ले रहा है बिकॉज गेयरिंग बीस से चालीस हो गया है यह दस से बीस का जो रिस्क है ना इसको मार्केट रिस्क बोलते हैं क्योंकि नेचर ऑफ सिक्योरिटी वैसा है अब जो रिस्क होगा दैट इज डिफॉल्ट रिस्क ट्राई टू अंडरस्टैंड तो इक्विटी क्या बोलेगा मालूम है मेरे को तेईस चाहिए मेरे को साढ़े तेईस चाहिए इक्विटी बोलेगा मेरे को साढ़े तेईस चाहिए भैया इक्विटी so, क्या बोला उसको कितना चाहिए तेईस साढ़े तेईस चौबीस ये इक्विटी शेयर होल्डर का डिमांड हो गया इसका मतलब अब जैसे जैसे डिवेंचर का गियरिंग बढ़ेगा इक्विटी वाला लोग अपना एक्सपेक्टेशन बढ़ाएगा राइट right? इक्विटी वाला लोग अपना एक्सपेक्टेशन बढ़ाएगा अब यहां पे आप गेरिंग फोर्टी से सिक्सटी कर दीजिए परसेंट डिमांड करेगा ये लोग तुम गेयरिंग बढ़ा रहे हो इक्विटी वाला लोग अपने एक्सपेक्टेशन बढ़ा रहा है। इससे क्या हो रहा है मालूम है तुम्हारा कॉस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुमने अभी क्या पढ़ा था थॉट वन में वट वॉज थॉट वन डिवेंचर घुसाओ कॉस्ट को गिराओ डिचर घुसाओ कॉस्ट को गिराओ so, तो तुम डिवेंचर घुसा रहा है लेकिन कॉस्ट कम नहीं हो रहा देखो अट्ठारह अठारह अट्ठारह रह जा रहा है एवरीवेयर इट इज एट इन सो वॉट इज थॉट टू With increase in gearing ratio, equity shareholder is increasing their expectation. with increase in gearing ratio equity shareholder is increasing their expectation as now they are exposed to Moresk. Advantage of using low cost debt is set off against. Disadvantage of KE increasing as a result, KO remains constant. तो एक तरफ डिवेंचर यूज करने का फायदा हो रहा था लेकिन केई उसको ऑफसेट कर दे रहा है तो अल्टीमेटली के ओ कॉन्स्टेंट रह जा रहा है तो एज पर थॉट टू यू कैन चूज एनी ब्लेंड फर्क नहीं पड़ता जैसे जैसे आप ब्लेंड चेंज करेंगे आपका के केई बढ़ता जाएगा अल्टीमेटली के ओ कॉन्स्टेंट रहने वाला है Ko is constant at all levels of debt equity. Okay. ठीक है तो जैसे जैसे डेप्ट इक्विटी बढ़ेगा इक्विटी शेयर होल्डर अपना एक्सपेक्टेशन बढ़ा दे रहे हैं हॉट थ्री त्रिसठ हॉट क्या बोलते हैं मालूम है बोला जब बहुत ज्यादा डिवेंचर हो जाता है ना ये लोग भी पीछे नहीं रहता है तो अब इक्विटी तो अपना बढ़ा ही रहा था टू मच गियरिंग में डिवेंचर होल्डर भी अपना एक्सपेक्टेशन बढ़ाएगा बोला ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए आप खुद सोचो ना फर्स्ट मॉर्गेज सेकेंड मॉर्गेज फर्स्ट मॉर्गेज क्या होता है जिनका फर्स्ट चार्ज क्रिएट किया हुआ है बाद में आप और किसी से पैसा लेंगे तो सेकेंड चार्ज फिर थर्ड चार्ज तो जो तीसरा वाला होता तो है ज्यादा डिमांड करेगा ही ना तो डिवेंचर होल्डर भी तो देख रहा है कंपनी का सिक्सटी परसेंट हम दे रहा है तो मेरा डिमांड भी ज्यादा रहेगा right with increase in gearing ratio beyond certain point with increase in gearing ratio beyond certain point the venture holder also increases their expectation venture holder also increases their expectation as a result ko increases इक्विटी तो बढ़ा ही रहा था गेयरिंग के साथ Right? तो अभी मैं आपको एक, एक चीज दिखाता हूं हॉट फोर क्या है ना इन सबको कंबाइन कर दिया percentage of debt Point one, point two, point three, point four, point five, point six, point seven, point eight. कॉस्ट मतलब के डी दस 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 बारह को भी दस कर लें बारह ठीक है चौदह अठारह K, अच्छा अगर ये अच्छा सबसे पहले डब्ल्यू ई e निकाल लेते हैं इक्वल टू वन माइनस दिस डब्लू डी है ना तो डब्लू ई e इतना होगा के wacc wd into kd plus we into ke so this multiplied by this plus this multiplied by this ये जो तीन है ना ये थॉट वन हो गया डिवेंचर घुसाते जाओ देखो केव गिरता जा रहा है ये दोनों जो है ये हो गया थॉट टू आप डिवेंचर का प्रपोशन बढ़ा रहे हो लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर ने अपना एक्सपेक्टेशन बढ़ा दिया इक्विटी शेयर होल्डर इंक्रीज देयर एक्सपेक्टेशन तो यहां पे के डी एंड के ई is constant K O decreases K increases with gearing. के ओस कॉन्स्टेंट और यहां पर देखो अब डिवेंचर होल्डर भी अपना एक्सपेक्टेशन बढ़ा दे रहे हैं राइट right? डिवेंचर होल्डर वाला लोग भी अपना एक्सपेक्टेशन बढ़ा दे रहे हैं के ई एंड के डी बोथ इंक्रीजेज सो केओ स्टार्ट इंक्रीजिंग सो थर्टी से फिफ्टी के बीच में आप अपना गियरिंग रेशियो रख सकते हैं क्योंकि 30 से 50 में तीनों में सत्रह परसेंट आ रहा है 30 से 50 के बीच में तीनों में सत्रह परसेंट आ रहा है गियरिंग बेटर यही होता है थर्टी रखना क्यों बोलो तो क्योंकि आगे और अगर फंडिंग चाहिएगा तो के ओ बढ़ेगा नहीं अगर तुम फिफ्टी रखोगे आगे और फंडिंग अगर तुमको चाहिए तो तुम्हारा हाई गेयरिंग में तुम चले जाओगे तो बेटर यही रहता है गेयरिंग को थोड़ा सा कम रखो शुरू में किसी की जब एक्सपेंशन करो तो यू कैन मोर गियर अप ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था के ओ को लो रखो तो वैल्यू ऑफ फॉर्म मैक्सिमम आएगा बताया था ना आपको कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होता है जहां पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम आए और वैल्यू ऑफ फॉर्म मैक्सिमम नो व्हाट इज इज वैल्यू ऑफ फॉर्म Value of form is basically value of debt plus value of equity, value of debt. ठीक है नाउ वैल्यू ऑफ फॉर्म बेसिकली कंपनी का जो टोटल इन्वेस्टर का वेल्थ टोटल इन्वेस्टर्स वेल्थ कंपनी का जो टोटल इन्वेस्टर है ना उसका वेल्थ तो एक बात बताना अगर मेरे को कोई बोलेगा वीडी निकालो वैल्यू ऑफ डिवेंचर निकालो तो क्या मैं बोल सकता हूं इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय के डी इंटरेस्ट बाय के डी बोल सकता हूं ना इनको मिल क्या रहा है इंटरेस्ट एंड केडीज वॉट देर एक्सपेक्टेशन तो किसी भी चीज का वैल्यू निकालना है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू तो so, यहां पे प्रेजेंट वैल्यू पॉपेचुटी लगेगा पॉपेचुटी क्या होता है ए बाई आई एनुअल कैश फ्लो बाई आई सो डिवेंचर होल्डर के लिए एनुअल कैश फ्लो क्या इंटरेस्ट एंड केडीज देर आई एकदम सिंपल फंड है किसी भी चीज का वैल्यू निकालना तो कैसे वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू हाउ हाउ डू यू कैलकुलेट वैल्यू जो भी फ्यूचर कैश फ्लोज है उसको डिस्काउंट करके आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो ये टोटल इन्वेस्टर का वेल्थ निकाल रहा हूं मैं डिवेंचर और इक्विटी का मिला के तो डिवेंचर होल्डर का वेल्थ कैसे आएगा हाउ वी आर गोइंग टू गेट डिवेंचर होल्डर का वेल्थ इनको जो मिल रहा है डिवाइडेड बाई आस्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आएगा पफेस डिवाइडेड बाय के पफेस होता है आफ्टर गिविंग इंटरेस्ट वॉट एवर इज लेफ्ट दैट इज फॉर डिवेंशर होल्डर अगर मैं आप दैट इज फॉर इक्विटी शेयर होल्डर सॉरी अगर मैं आपको इनकम स्टेटमेंट दिखाऊं इफ आई शो यू इनकम स्टेटमेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक सबको मालूम है इसमें ऐड करूंगा फाइनेंस इनकम तो क्या आएगा ईबीआईटी इसमें अगर लेस करूंगा इंटरेस्ट तो क्या आएगा ईबीटी इसमें से लेस करूंगा टैक्सेस तो क्या आएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स इसमें से लेस करूंगा प्रेफरेंस डिविडेंड तो क्या आएगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर तो अपन क्या किए हम लोग माने कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है जो भी मैं स्टडी करवा रहा हूं ना प्रेफरेंस होल्डर नहीं है मैंने ऐसा माना है तो अगर प्रेफरेंसर होल्डर नहीं है सो दिस इज पफेस और हमने ये माना है कि इक्विटी uh, क्या बोलते हैं टैक्सेस नहीं है वी आर लिविंग इन ए नो टैक्स कंट्री राइट सो इसका मतलब यही मेरा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स हो जाएगा और यही मेरा पफेस हो जाएगा तो ईबीआईटी से इंटरेस्ट दे दिया तो बचा जो किसका है इक्विटी शेयर होल्डर का तो ये इक्विटी शेयर होल्डर को लाइफ लॉन्ग मिलेगा परपेक्चुअल सक्सेशन कंपनी में डिवाइडेड बाय देर एक्सपेक्टेशन सिंपल है ना एकदम है यही अगर कोई मेरे को बोलता है वैल्यू ऑफ फॉर्म डायरेक्टली निकालो तो मैं क्या करूंगा ईबीआईटी को के ओ से डिवाइड कर दूंगा सही है hmm? तो या तो वीडी और बी अलग अलग निकाल के ऐड कर लो या वैल्यू ऑफ हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हो टेन परसेंट डिवेंचर फाइव लैख इक्विटी दस लाख ठीक है के ई ट्वेंटी परसेंट केडी टेन परसेंट जनरली जो इंटरेस्टेड होता, होता है ना वही केडी होता है ईबीआईटी थ्री लाख फिफ्टी ठीक है अच्छा डिवेंचर इज फाइव लैख इक्विटी इज टेन लैख ये जो इक्विटी और डिवेंचर है ना ये बुक वैल्यू है ये दिस इज नॉट वैल्यू ऑफ इक्विटी दिस इज बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी ये दस लाख का इक्विटी मैंने रेस किया था कंपनी का जो फेस वैल्यू होता है और जो शेयर प्राइस होता है सेम होता है क्या ग्रो करता है ना ओवर द ईयर वो ये फेस वैल्यू है इसको अपन को यूज करना ही नहीं है किसी भी सम में हम लोग इसको यूज ही नहीं करेंगे इसे मैंने इसको रेड मार्क कर दिया है तो अपन को क्या करना है ईबीआईटी कितना है साढ़े तीन लाख लेस इंटरेस्ट कितना है पचास हजार अब बताइए वीडी कितना आएगा पचास हजार बाय टेन परसेंट दैट इज फाइव लैख और वीई कैसे आएगा तीन लाख बाई ट्वेंटी परसेंट दैट इज समझा मतलब दस लाख का जो बुक वैल्यू है उसका मार्केट वैल्यू आज का दिन में पंद्रह लाख है समझा अब अगर के ओ निकालना है तो कैसे निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ फॉर्म आ गया वेट ऑफ डेप्थ फाइव लाख बाई ट्वेंटी लाख इंटू टेन प्लस फिफ्टीन लाख बाई ट्वेंटी लाख इंटू ट्वेंटी है ना ये बुक वैल्यू को नहीं यूज करना है पहले इक्विटी का मार्केट वैल्यू निकालेंगे उसके बाद के ओ निकलेगा बुक वैल्यू से निकाल देगा तो गलत हो जाएगा और ऐसे भी आ सकता है और अपने को वीएफ मालूम है EBIT by KO. तो अपने को क्या करना है के ओ इजिकल्स टू ईबीआईटी बाई वी एफ इज साढ़े तीन लाख बाई बीस लाख इंटू हंड्रेड इतना तो मालूम है ना फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू अलग अलग होगा कि अगर ये नहीं मालूम है तो फिर उस, उस पर बात करेंगे अपन मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू सब अलग अलग होता है ठीक है चलिए थैंक यू सो मच इसको अपने कंटिन्यू करेंगे ऑनलाइन में